देखिए दोस्तों, आज हम लोग है ना एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज देखिए, हम आपको एक्सेप्शनल पहली बार लाए ना, अब तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो मैक्सिमम जो केस पढ़ाएंगे ना उसका जो एग्जाम्पल देगा उसमें एक्सेप्शनल केस बहुत ज्यादा आएगा, समझा? वही एक्सेप्शनल केस आपको एग्जाम में पूछता है। एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को जो सजाने का जो तरीका है सर, वो तो ऑर्बिटल में, ठीक है, आप ऑर्बिटल में सजाइए, लेकिन आप सजाने के कुछ चीजों को ध्यान रखिए क्योंकि वहां पे कुछ आपका एक्सेप्शन आने वाला है। तो सबसे पहले कौन ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल केस आपका देगा, वो पहले बताते हैं। जो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसका देखिए याद करने का तरीका है, अच्छा सुनिएगा, क्या करूं, ठीक, क्या करूं, अच्छा देखिए हम बोले उसको याद रखिए, क्या करूं, मोहब्बतें निभाकर रुकावटें राह में पड़े आगे और पिटाई होगी, बोलता गढ़ा गड़ोना, मतलब अरे इसका नाम है गैडोलिनियम, नाम क्या आपका गैडोलिनियम, समझे, इसका नाम है, उस तरह हम क्या करें, बोलना पड़ रहा है गैडोलिनियम, नहीं भूलिएगा गैडोलिनियम, नहीं भूलिएगा, हाँ नहीं भूलिएगा। अरे देखिए यहाँ पे कॉपर है ना, कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर बताइए 29, क्रोमियम का 24, और मॉलिब्डेनम का 42, और इसको बोलते हैं नियोबियम, क्या बोलते हैं नियोबियम, इसका होता है 41। सर ये सब हाँ, ब्लॉक में आया, ये आपका डी ब्लॉक का और ए ब्लॉक का एलिमेंट, हम बताए थे ना आपको कि डी ब्लॉक है जो, उसमें से एक हम आपको खास प्लेयर बताए थे सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड क्रिकेटर मैन, वो लोग बताए थे, हाँ हाँ डी ब्लॉक का भी एक सीरीज हम बता दिए थे, उसने एक ही सीरीज बताए थे। अब देखिए यहाँ पे ये आरयू है ना, आरयू, तो आरयू को बोलते हैं रूट गया, इसका नाम हो गया रूथेनियम, हाँ रूथेनियम, अरे लंबी इस तरह है। फिर देखिए यहाँ पे ये आरएच ना आरएच, रोड हम लोग बोलते हैं रोड, पब्लिक रोड, तो रोड से हो गया रोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता 45। अब हाँ मतलब ये सब, हाँ हर एक एलिमेंट के प्रति हर एक आदमी सर्च किया होगा, हाँ सारा एलिमेंट जितना आपका 118 एलिमेंट है ना, बहुत सारा साइंटिस्ट सर्च किया है ना आपका, बहुत सारा एलिमेंट है, दो दो एलिमेंट, दो दो आपको दे दिया खोज किए, आपको हम दे देंगे 118 एलिमेंट को कौन सा खोज किया ना, उसका है टेबल मेरे पास, आप लोग मांगिए दे देंगे वो टेबल, बोले हम लोग का जब टारगेट बेच हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसका हमको दिया गया था लिस्ट, समझे, हम लोग को पढ़ना पड़ता वो लिस्ट, उस लिस्ट से भी क्वेश्चन पूछता था हम लोग, तो हम लोग 118 एलिमेंट का अपने अपने नाम से नॉमिनेट किया है। अब देखिए मामला ये पीडी है, पीडी, पीडी को पंडित बाबा बोलते हैं, तो पंडित है ना, इसका नाम हो गया प्लेडियम, क्या हो गया आपका प्लेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता 46, और एजी को बोलते हैं सिल्वर, और सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता था 47। सिल्वर का मतलब इसका साइंटिस्ट का नाम आपको देखना पड़ेगा, हमको सुने वो टेबल है, सो सिल्वर ना नहीं, ये आपका एलिमेंट का नाम है, समझे, इसका जो डिस्कवरी किया ना खोज, उस साइंटिस्ट का नाम अलग, समझे, देन इसी से रिलेटेड भी हो सकता बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं आपका जो आर्गन रुथेनियम, तो रुथेनियम देने वाला रदर पोडियम है, हम आपको रदर पोडियम मॉडल पढ़ाए थे ना, जो रदर पोडियम मॉडल दिया था वही रुथेनियम पर डिस्कवरी किया है। अब देखिए एयू एंड एयू, एयू को बोलते हैं गोल्ड, एयू को क्या बोलते हैं गोल्ड, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79, और जो आपका पीटी है, पीटी, पीटी को प्लेटिनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लेटिनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 78, और जीडी, जीडी को क्या बोलते हैं गैडोलिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 64। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट है, यही सारा केस है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन लगेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन से आप बोला नॉर्मल में भी इसी तरह सीख वो लिखेगा, जिस तरह आपको सिखाए फर्स्ट दिन, समझे, इस केस में देखिए यहाँ पे एग्जाम में आके जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 12th में भी पूछा और 11th में जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ ये आपका ये और ये एक्सेप्शनल केस, समझे,
थोड़ा सा देखिए कि कुछ साल में जो देखिए कि मान लीजिए 10 साल के तक देखे तो यही दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया। उसके पहले देखते 2007-2008 जब हम लोग का अंकल सब पढ़ते होंगे तो उस समय जो केस पूछता था ना वो आपका मौली बर्नम पूछता था, सिल्वा पूछता था, समझे। लेकिन एक आपको प्लेडियम भी बता दिया, जो बच जाएगा वो आप घर में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको, हाँ सबसे पहले एक्सेप्शन कौन है हमारा, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29, क्रोमियम का 24, मोलिब्डेनम का 42, नियोबियम का 41 और रुथेनियम का 44, रोडियम का 45, प्लेडियम का 46, सिल्वर का 47, गोल्ड का 79 और प्लेटिनम का 78 और गैडोलिनियम का 64। अब हम एलिमेंट बोले, आप हम कभी नोट बोला, आप एलिमेंट का नाम बोलिएगा। 29, 24, 42, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम देखिए, हाँ मोली, आप हाथ मोली, हाँ नाम लिख देते हैं, हाँ जो मोली पहनते वही मोली है, मोलिब्डेनम समझे, ये है ना, इसको मोलिब्डेनम नहीं पढ़िएगा, मोलिब्डेनम कर सकते आप। हाँ ये मोलिब्डेनम हो गया। 41 का क्या है, क्या, अरे न्यू ईयर नहीं, नियोबियम। इसका नाम है नियोबियम, समझे, क्या है नाम आपका, नियोबियम। और आर्यू का नाम 44 एटम, इसका नाम नहीं रुथेनियम, हाँ बोले रूट गए मतलब रुथेनियम, रुथेनियम। देखिए हम आपको एक चीज और सिखाए थे, याद है आपको, हम बोलते थे जिसके नाम के अंत में ईयम और नियम लगा रहता वो आपका मेटल होता है। यहाँ पे देखिए ना ईयम मिल रहा मतलब मेटल ये भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है समझे, लेकिन ये भी फिर भी मेटल है, जैसे नम आ रहा है तो नियम आ रहा है, मेटल तो आ रहा है, ये भी आपका क्या है मेटल ही है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आर एच मिला, और कभी 45 विद इसका रोडियम, देखिए रोडियम का स्पेलिंग कैसे होता है, रोड लिख दिए, ये वाला रोड मत लीजिएगा, ये वाला रोड लिख दे, ये हो गया आपका रोडियम। रोड का पता है गोरा स्पेलिंग होता है आर ओ डी, ये रोड छड़, और ए आर ओ ए डी सड़क, और ये रोडियम एलिमेंट। अब ये पी डी है ना, पी डी, हाँ प्लेडियम, देखिए प्लेडियम का स्पेलिंग पी ए डबल एल ए डी आई यू है, ये प्लेडियम हो गया, देखिए नाम क्या है, ये यहाँ भी आ गया, ये भी क्या हो गया आपका एलिमेंट, यहाँ भी नाम क्या है, ये भी आपका मेटल हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़े थे एजी, एजी हो गया सिल्वर, और सिल्वर तो लोग अच्छे से जानते हैं कि वो आपका मेटल है। एयू गोल्ड, गोल्ड भी आपने एक तरह क्या है मेटल। अब पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिना, जैसा एक आप गाड़ी सुने को प्लेटिना गाड़ी होता है, अरे होंडा एक प्लेटिना आपका गाड़ी होता है समझे, तो प्लेटिना से आगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, देखिए नाम के अंत में नम नहीं है, रेनियम जैसा दिख रहा है, ये आप ये भी आपका प्लेटिनम क्या है आपका मेटल। और जी डी आपका गैडोलिनियम है, नाम के अंत में नियम आ गया मतलब ये भी आपका क्या है मेटल। तो याद रखिए जिसके नाम के अंत में ईयम और नियम रहे वो आपका ऑलरेडी मेटल रहता है। यहाँ पे एक्सेप्शन के सबको पढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ना है, 11 लेकिन आपको पता है कि 4 को, फिर जो बच जाएगा आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप ये एक्सेप्शन केस पढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाना पड़ेगा, क्या कभी आप पढ़े फुलफिल और वाइटल, फुलफिल और वाइटल नहीं पढ़े क्या, फुलफिल और वाइटल और वाइटल पढ़ा, और वाइटल और वाइटल, अरे हम पढ़ाए थे वही चीज हम बोल रहे हैं यार। देखिए आप यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्रम पढ़ने जा रहे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए दो सबसे, और सबसे हाउ मेनी टाइप्स, फोर टाइप्स, पहला आपका ए सबसे ले, दूसरा पी सबसे ले, तीसरा डी सबसे ले, और एक आपका ए सबसे ले। तो सबसे का तो नाम हो गया, और एस का फुल फॉर्म क्या होता था सार, पी का प्रिंसिपल, और डी का क्या बोलते थे डिफ्यूज, और एफ का हमने एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था आपका फंडामेंटल। तो एस का शेप क्या होता था स्फेरिकल, पी का शेप डम्बेल, और डी का शेप डबल डम्बेल, और एफ का शेप क्या होता था कॉम्प्लिकेटेड शेप। ये तो ये सबसे, एक आगे मेरा फुल फिल और वाइटल, फुल फिल और वाइटल, हाँ
एक वो है आपका हाफ फेल और वाइटल, और एक है आपका दोस्त इनकम्प्लीटली फिल, इनकम्प्लीटली फिल और वाइटल। देखिए जब कभी आप बुक पढ़िएगा ना एनसीईआरटी को, तो इनकम्प्लीटली ना लिख के वहां पे आपको पार्शियली लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? पार्शियली। तो पार्शियली का मतलब होता है आपका इनकम्प्लीटली, ठीक है? पूरा बोले, पूरा भरा हुआ और वाइटल, ठीक? इधर से इधर आधा भरा हुआ और वाइटल, और ये हो गया आपका अधूरा भरा हुआ और वाइटल, समझे? अच्छा सुनिए, पूरा भरा हुआ और वाइटल इसको क्या बोलते थे? आधा भरा हुआ और वाइटल, ये आपका अधूरा भरा हुआ और वाइटल। तो अब बताइए इस सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस? वन। और वाइटल एक, तो इलेक्ट्रॉन एक, दो। इस सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल? थ्री। तीन का डबल छह। तो इस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना बोल रहे हैं आप? टू। और पी सबसेल में छह, और डी सबसेल में टेन इलेक्ट्रॉन, ए सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये हो गया आपका आधा भरा ऑर्बिटल, समझे? सॉरी, ये हो गया पूरा भरा ऑर्बिटल। अब टू का आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा? वन। ये हो गया हाफ फिल ऑर्बिटल, इसका थ्री, और इसका फाइव, और इसका कितना हो गया? सेवन। अब देखिए जिसके जो आप अधूरा भरा ऑर्बिटल में ना, जिसके पास टू ऑर्बिटल नहीं हो, मतलब दो टू इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो दो और एक नहीं होगा तो क्या हो सकता है? अरे मैं दो और एक छोड़ के आपको लेना, जीरो आ जाएगा, जीरो। अरे आप लोग कॉमी करते हैं, कॉमी बोले हम, ये हमको जीरो से चलना है, जीरो एक दो। अब हम बोले ना कि हमको दो नहीं लेना, हमको एक नहीं लेना, तो आप जीरो जीरो तो नहीं ले पाइएगा। आप यहाँ यहाँ के बोल सकते हैं 1.5 ले सकते हैं, ठीक? आपको बताइए, तो आप हम अच्छे से बताते हैं हम आपको कि 1.5 कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे डबल इलेक्ट्रॉन, चाहे ट्रिपल इलेक्ट्रॉन होगा आपका, समझे? आप लोग बोलाइए, ठीक है? ये आपका धरोहर और वाइटल, यहाँ पर किसी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इसके पास आए दो, छह इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन, तो आपको तीन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, छह भी नहीं लेना, और तीन और छह ही के बीच लेना, तो वही आपका धरोहर बैठा। तो तीन के बाद चार, अरे चार पांच, दो टो बची है ना, तो यहाँ पर जो होगा आपका धरोहर और वाइटल चार इलेक्ट्रॉन हो सकते, चाहे पांच इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए आपको पांच इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, टेन नहीं लेना, पांच और टेन के बीच लेना है, हाँ, सिक्स सेवन एट नाइन, हाँ, यहाँ पे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको बच रहा है दोस्त, ये आपका इनकम्प्लीट फिल और वाइटल है। देखिए कॉन्सेप्ट को एंट्री कर लिया, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसी को हमको लिखना पड़ता है पी टू, मतलब पी सबसेट में दो इलेक्ट्रॉन है, सिक्स है, तो क्या लिखिएगा? पी सबसेट, सॉरी एस टू होगा ना, यहाँ पी सबसेट है, पी सबसेट में छह इलेक्ट्रॉन है, डी सबसेट कितना इलेक्ट्रॉन है? टेन। यहाँ पर क्या लिखिएगा? डी टेन। यहाँ पर क्या लिखिएगा? एफ फॉर टेन, और यहाँ पर बताइए एस वन, यहाँ पर पी थ्री, यहाँ पर डी फाइव, और यहाँ पर एफ सेवन। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एस जीरो हो गया यहाँ पे, हाँ, लेकिन एस जीरो है, सॉफ्टवेयर का जो यूज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बताइए पी थ्री, पी फोर, और यहाँ पर पी फाइव, यहाँ बताइए पी सिक्स नहीं रहे, डी सिक्स, यहाँ पर डी सेवन, डी एट, डी नाइन। अब यहाँ बताइए एफ एट, एफ नाइन, एफ टेन, एफ इलेवन, एफ ट्वेल्व, एफ थर्टीन, और इलेवन ट्वेल्व थर्टीन पर वो इलेक्ट्रॉन है आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए मामला, जब आपके पास एस टू कहीं लिखा हुआ दिखे ना, तो क्या मानिए ये हमारा पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, और कहीं आपको एस वन दिख जाए तो ये आपका अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, समझे? जो फॉर्मेट हम अभी रहे तो वो फॉर्मेट आपको कभी नहीं मिलेगा, यही फॉर्मेट मिलेगा। अगर पी सिक्स रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा? पूरा भरा हुआ और वाइटल, और हाफ पी थ्री रहेगा तो हाफ फिल और वाइटल। सर इसको आप कैसे बोले समझ नहीं पा रहे, हम बताए थे पी सेक्शन में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? थ्री। तो थ्री ऑर्बिटल था, यहाँ पे देखिए वन ऑर्बिटल, टू, थ्री ऑर्बिटल, यहाँ पे पी सेक्शन में कितना ऑर्बिटल है? तीन ऑर्बिटल, डी सेक्शन में कितना ऑर्बिटल है? पांच।
यहाँ पर भर दिया पांच ऑर्बिटल, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर अभी कितना ऑर्बिटल हो गया आपके पास, पांच, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए यहाँ पे सब दोनों बताते हैं, छह इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, जो छह इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो हम बोलते थे कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आप सभी ऑर्बिटल को दीजिए अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, समझे, हुंस रूल के अनुसार। आगे पढ़ना है आपको, थोड़ा आगे तो बताना पड़ेगा ना, कि जो आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो आपको हंडियर रूल से भर रहे हैं, मतलब हुंस रूल की मदद से। तो सबसे पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को दीजिए, तीन इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, अब आपके पास बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, थ्री हो, तो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन हो फिर वहीं से आप भरिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज स्पीड में, क्लॉकवाइज भर चुके हैं, अब तीन के बाद हो गया चार, योग्य पांच, और योग्य आपका छह इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आ रहा है तीस ऑप्शन में आपको तीन इलेक्ट्रॉन भरना है, तो किस रूल के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं, हुंस रूल के अनुसार। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, पहुंचाना है सर, सुनिए कि आप जब इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो किस रूल के अनुसार भर रहे आप, हुंस रूल के अनुसार। तो तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, योग्य आपका तीन इलेक्ट्रॉन। बीस ऑप्शन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, टेन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, योग्य आपका पांच इलेक्ट्रॉन, योग्य आप। अब जो इलेक्ट्रॉन भरिए क्लॉकवाइज स्पीड की, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड, योग्य आपका छह, सात, आठ, नौ, दस। देखिए जो आप इलेक्ट्रॉन का एरो दिखा रहे ना, वो आप कंप्लीट हेडेड एरो भी दिखा सकते हैं, चाहे हाफ हेडेड एरो भी दिखा सकते हैं, जो आप कंप्लीट एरो दिखा रहे हो उसको आप ऐसे से दिखा सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, हाँ रिवर्सिबल, समझे, इस तरह फॉर्मेट भी आप दिखा सकते हैं, ये भी तरीका आपका सही हो जाएगा। एक अब एक सवाल आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, हमको मत हंसाइए, हम कैमरे के सामने नहीं गड़बड़ा जाएंगे हम फिर। अब बताइए हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑर्बिटल है आपका, फुलफिल ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है आपका, फुलफिल ऑर्बिटल, उसके बाद हाफ फिल ऑर्बिटल, उसके बाद हाफ फिल ऑर्बिटल, देखिए वही बोल रहे हैं इनकम्प्लीटली ऑर्बिटल। अरे फुलफिल ऑर्बिटल बोले, फुलफिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल किसी तुलना में, हाफिल ऑर्बिटल, और हाफिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल किसकी तुलना में, इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल, उसको क्या बोलिएगा, पार्शियली फिल ऑर्बिटल। अब देखिए पहले एलिमेंट हम लेने जा रहे हैं क्या, मतलब कॉपर, समझे, हाँ वही सारे हम, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना सकते हैं, लिखना पड़ेगा क्या ऑर्बिटल वाला, अरे वो ला भूल गए क्या, हाँ क्या बोलते थे, समिति समिति, फिर था पूजा समिति, फिर था पूजा समिति, फिर था दुर्गा पूजा समिति, और फिर था दुर्गा पूजा समिति, फिर था आपका फेमस दुर्गा पूजा समिति, और फिर था फेमस दुर्गा पूजा समिति। अब सुन ले के फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, पहले एस एस को भरिए, वन एस के बाद टू एस, फिर यहाँ थ्री एस, फोर एस, यहाँ पर फाइव एस, यहाँ पर सिक्स एस, यहाँ पे आए तो सेवन एस, और ये हो गया आपका एट एस। अब पी पे बढ़ जा रहे, एस और खत्म हो गया, पी थ्री पी, यहाँ बोलिए फोर पी, फाइव पी, सिक्स पी, सेवन पी, अब थ्री डी में आ रहे हो, थ्री डी के बाद क्या आ गया फोर डी, फिर यहाँ पर फाइव डी, और यहाँ पर हो गया आपका सिक्स डी, फोर ए पे ना, फोर ए के बाद होगा आपका फाइव पे, खत्म हो गया। आप बताइए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, पहले हमको ऑर्बिटल कोड आप हमको बताइए, 1s के बाद क्या लिखेंगे, 2s, 3p, 2p, 2p, 3s, वहीं से देख देख के बोलना है, हाँ इसे से लाना है, हाँ बोलिए 2p के बाद 3s, 3p, 3p, हो जाएगा, आगे बोलिए 4s, 3d, 3d, अब होगा, यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, बोलिए टू फोर मैं दस, हाँ बोलिए बारह अठारह बीस, हाँ बोलिए ना, अब नौ बचा टेन टेन होगा,
अच्छा से सोचिए। हाँ अरे यहाँ तो 20 है, आपके पास 29 इलेक्ट्रॉन है, आप 10 बार जाएगा 30 हो जाएगा। कितना मास है अपना? 20 हो गया है। तो 9 होगा? 9 तो वही तो हम जानना चाह रहे, तब टेन बोल देते हम भी डर गए। तो 20 हम लोग कितना हो गया आपका? 29 इलेक्ट्रॉन। ये जो तरीका लिखे वो आपको गलत है, मतलब ये बोले थे ना आपको एक्सेप्शन में, आप सही क्या होगा उसको बताते हैं। अभी आप फुलफिल और वाटर हाफिल और वाटर बोले थे ना, उसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास 4s2 और 3d9, यहाँ पर लिखिए हम 4s2 और यहाँ पर हम 3d9 लिखिए। तो ये सबसे में कितना और बैटल होता है? वन और बैटल, दो इलेक्ट्रॉन बांटा, एक क्लॉकवाइज स्पिन किया, दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। डी सबसे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 9। ये बताइए डी सबसे में हाउ मेनी और बैटल्स? 5। यो गया आपका 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4, 1, 2, 3, 4, 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले सब ऑर्बिटल में भरिएगा अकॉर्डिंग टू हुल्स रूल। तो पहले की 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बच गया? 4। 5 है, फिर हो गया आपका 6 7 8 9। देखिए आप ये तो पूरा 12 ऑर्बिटल है, समझे? ये बोलता है हमको मत लो, हमको रेस से बाहर है, क्योंकि पूरा तरह से भरे हुए। अब इसके पास के ये बोलता है देखो दोस्त, हमें तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो जो भी आपको तुलना करना है आप यहाँ से कीजिए। देखिए आप एक तरीका याद रखिएगा, जब कभी भी आपको S2D9 लिखा हुआ दिखे ना, S2D9, तो उसको आप S1D10 में बदल दीजिएगा। क्यों हो रहा बता रहे आपको, अगर कभी आपको S2D4 दिखे ना, तो उसको S1D5 में बदल दीजिएगा। जैसे देखिए अभी भी मान लीजिए, माने कि बहुत सारा अमीर इंसान आए हुए, समझा? हम बोल रहे हैं कि किसी के पास अगर 1 लाख रुपया होगा ना, तो वो लखपति बन जाएगा, समझे? तो मानिए उसके पास अभी भी 1 रुपया और घट रहा है, समझे? 1 रुपया उसके पास और घट रहा है, 1 लाख संपत्ति होने में, तो कोई चाहेगा यार किस तरह हमको कोई 1 रुपया दे दे, तो बच्चे को 1 रुपया कोई देगा उसको, तो लखपति बन जाएगा। मान लीजिए करोड़पति बन जा रहा, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है करोड़पति बनने की, तो कोई अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो करोड़पति हो जाएगा, तो करोड़पति हो जाएगा तो और मोर स्टेबल हो जाएगा, समझे? उसी तरह का मामला यहाँ पे, डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, समझे? ये ना तो होल फील्ड ऑर्बिटल बन पाए, ना तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये आपका अधूरा भर ऑर्बिटल में, तभी बोले थे 9 9। ऐसी हालात में D9 चाहता कि यार काश कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन देता और हम फुलफिल ऑर्बिटल हो जाते, पूरा तरह से अस्टेबल हो जाते। तो अपना दोस्त को बोलता है, देखिए यहाँ पे D9 D9 ले S2, तो D9 सो अपने S को बोलता है कि यार तुम अपने 1 इलेक्ट्रॉन हमको दो ना, ताकि हम पूरा फुलफिल ऑर्बिटल हो जाए और मोर स्टेबल बन जाए। तो S सबसे ना इसकी बातों को सुन के भावुक हो गया, और यहाँ पर क्या करता है, S ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया D ऑर्बिटल को, समझे? S2D9, इसलिए S1D10 में हमेशा कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए S2D4, डी सबसे के पास तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता तो फुल फिल ऑर्बिटल हो जाता, D5 होता तो हाफ फिल ऑर्बिटल। इसके पास D4 है ना, तो ये फुल फिल ऑर्बिटल है ना तो हाफ फिल ऑर्बिटल, ये आपको क्या है? इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। ये फिल ऑर्बिटल अपने दोस्त को बोला, S सबसे को बोला यार काश कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन देता दोस्तों, हाफ फिल ऑर्बिटल हो जाते। तो S ऑर्बिटल बोला यार फिकर नोट, हम तुमको 1 इलेक्ट्रॉन अपने घर से देते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाता है, ये बदल जाता है S1D5 पे। जिससे कि मान लिया आप स्कूल के समय में आते हैं, स्कूल लाइफ में आते हैं, तो स्कूल लाइफ में आप देखते हैं जब प्रेयर होता था, तो प्रेयर में देखते थे बहुत सारा बच्चा अगल बगल पेड़ हुआ करता था, पेड़ से देखते बहुत सारा बच्चा है सो उस पेड़ के छाया में आ जाता है। बहुत सारा बच्चे देखते होंगे कि छाया में नहीं आता, और जानते हैं आप लोग कि धूप के समय बहुत ज्यादा गर्मी भी रहता है, सुबह आपका 6 बजे का प्रेयर 7 भी होता है, धूप उठ जाता है तो थोड़ा गर्मी महसूस होता है। तो ऐसे हालातों में देखते हैं कि बहुत सारा बच्चा चाहता है कि प्रेयर आपको इस लाइन में लगा हुआ, तो बहुत सारा बच्चा लंबा लाइन में लाके छोटा लाइन में वो प्रेयर बना होता है जहाँ पर छाया हो। तो बहुत सारा मान लीजिए एक बच्चा है, दो दोस्त है, समझे? एक दोस्त को रखा गया छाया में और दूसरा दोस्त को इंग्लिश है ना सो उसको रखी धूप में, समझे? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ होमवर्क, होमवर्क नहीं बना के आया इस वजह से, तो बच्चा चाहता है यार कि अगर एक ही कदम बढ़ाएंगे तो हम छाया में पहुंच जाएंगे, तो बच्चा मिस का रूल तोड़ के एक कदम आगे बढ़ा के वो छाया में जाना चाहेगा ताकि वो क्या हो जाए, अस्टेबल। ऐसे हालात यहाँ इलेक्ट्रॉन की दुनिया में भी हो रहा है और ऑर्बिटल की दुनिया में। ये बोला यार हमको 1 इलेक्ट्रॉन काश देता है तो हम पक्का फुलफिल ऑर्बिटल हो जाते हैं और पूरा तरह से अस्टेबल। यहाँ पे D4 है, ये कहते हैं काश 1 इलेक्ट्रॉन का D5 बन जाते और हम हाफ फिल ऑर्बिटल हो जाते तो मोर अस्टेबल से थोड़ा सा कम अस्टेबल होते, समझे?
जिसकी वजह से आपका ये कन्वर्ट हो रहा है H2D9 S1D10 में ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पर मामला देखिए, फॉर H2 और आपके पास यहाँ पे 3D9 है, यहाँ पर जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये आपका फॉर H2 3D9, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका ट्रांसफर कर जाता है डी ऑर्बिटल, समझे? तो 9 किस में जाता है 10 में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास बस कितना गया, एक इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉपर जो एक्सेप्टर केस देता है, जो जो एलिमेंट आपको 4-5 बता रहे हैं उसको याद ही रखिएगा हमेशा, लेकिन बर्बाद जाइए क्योंकि आपके पास 118 एलिमेंट है ना, तो 4-5 तो गिना चुना है, ज्यादा केस आपके पास आता है, रियली में आपके पास 11 है जो बता रहे थे, क्या करूँ बताने बुलाइएगा नहीं, समझे? 11 एलिमेंट था, उसमें से सबसे फेमस 4-5 टू है और उससे फेमस 2 टू है, दो जो आपको लगातार निकाल रहे हैं, दो बहुत ज्यादा बड़ा है एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बोले क्या करूं, करू हो गया फिर क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 24। देखिए इसी को सैगोन फॉर्मेट में लिख सकते, इसको छोटा रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा याद है आपको हम बताए थे ग्रुप 18 के एलिमेंट, ग्रुप 18 जहां पर बोलते थे हम लोग हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण, याद है? जहां पर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, उसके बाद जेनॉन का 54 और रेडॉन का कितना था 86। हम जान रहे स्टेबल है, तो इसी स्टेबल वाला एलिमेंट की मदद से इसका जो इतना बड़ा लिखे ना, इसको छोटा देखिए कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर 29 है ना, अच्छा सुनिएगा 29 एटॉमिक नंबर, देखिए आपके 18 और 36 के बाद आपका 29 आ रहा है, हाँ 18 और 36 के बाद आपका क्या रहा है 29, यहाँ थोड़ा समझिए 18 के बाद 19 और 19 से आपको 35, तो जब कभी भी 19 से 35 तक एटॉमिक नंबर है ना, जब कभी 19 से 35 तक एटॉमिक नंबर है ना, तो आर्गन को यूज कीजिए, ठीक? जब कभी भी आपके पास छोटे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख सकते बता रहे, जब आपके पास एटॉमिक नंबर 37 से 53 के बीच रहे ना, तो आप क्रिप्टॉन को यूज कीजिएगा, ठीक? जब कभी आपके पास 55 से 85 के बीच का एटॉमिक नंबर है ना, तो आप जेनोन एलिमेंट को लिखिएगा, ताकि आप इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के उसको बहुत ही छोटा रूप में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास एटॉमिक नंबर 29 है, तो 29 किसके बीच है, आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच, मतलब 19 और 35 के बीच आ रहा मेरा क्या 29, तो उस हालात में किसको लीजिएगा, आर्गन को, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया Ar, यहाँ पर लिख दिए Ar, ठीक? अब आर्गन को प्यार से ऐश्वर्य राय बोलते हैं, ऐश्वर्य राय बोलती है यार हमको अकेले छोड़ दिया, मन नहीं लग रहा है, हमको गाड़ी घोड़ा लाओ, यहाँ पर उसको गाड़ी में रख दिए, इसको बोलते हैं ओड़ी का, ठीक है? यहाँ पर देखिए ऐश्वर्य राय को घर के अंदर रख दिए, तो यहाँ पर देखिए मेरा एटॉमिक नंबर 18, यहाँ पर देखिए आपका 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18 यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, सिर्फ आर्गन लिख दिए, समझे? उसके बाद क्या बचा आपके पास, फॉरेस वन और ये आपके पास बच के 3D10, इसी फॉर्मेट को छोटे रूप में इस तरह लिख सकते हैं, जो आप क्वेश्चन बनाइएगा ना आपको ये मीडियम बहुत काम देगा, इसी मीडियम से हम आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, अब जो आपको हम जब भी पढ़ाएंगे तो इसी मीडियम से पढ़ाएंगे, छोटा रूप दिखा रहे सर पाए कैसे लाए सो, और भी जब बता दें कंप्यूटर में जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त आपका क्रोमियम, बताइए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, पहले आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल का ऑर्डर बताइए, बोलिए 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s और 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s और 4s से ज्यादा 3d, जब कभी एटॉमिक नंबर 20 से 30 रहे ना, 3d तक हर हालात में पहुंचेगा, समझे? 3d आपका अंक होगा 30 तक, बोलिए 2 बोलते जाइए, 4, 10, 12, 18, 20, कितना आपको चाहिए 24, 4 बच गया, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 10 मत लीजिएगा 30 हो जाएगा, समझे? अब देखिए मामला, यहाँ पर फॉर H2 देखा, यहाँ पे 3D4 देखा, तो बताए थे हमको कि H2D4 जहाँ पे रहेगा ना वो किस में जाता है S1D5 में, क्यों बदल रहा है S2D4 S1D5 में,
स्टेबिलिटी ऑर्डर को मैंने ऑब्टेन करने के लिए समझे, ये चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए, डी फोर डी फाइव बनाना चाह रहा है ताकि वो केसर और वाइटल बन जाए, हाफिड और वाइटल। ये जो ए सबसे में दो इलेक्ट्रॉन है वह एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है डी फोर को, और यहाँ पर ये तो बन गया एस वन, ये क्या बन गया हमारा थ्री डी फाइव। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन को सजाने। इसी फॉर्मेट को छोटा रूप में लिखने आ रहा है क्रोमियम और टोमियम नंबर 24। अब बताइए 24 किसके किसके बीच आ रहा है, आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच, मतलब टोमियम नंबर 19 और 35 के बीच में 24 आ रहा है, तो कौन से यूनिट के से यूज कीजिएगा, आर्गन को, क्योंकि आर्गन को यूज करके आर्गन मोर स्टेबल होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो गेन करता है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पर इनर्ट गैस के रूप में आर्गन ले ली, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर तो 18 होता है, तो 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18 यहाँ तक का हो गया। अब ये बच गया मेरे पास, यहाँ पर लिख दीजिए 4s1 3d5, ये क्या आपका कंडेंस फॉर्म, इसको बोलते उलझा हुआ रूप, इसको बोलते सुलझा हुआ रूप, ये हो गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया आपका कंडेंस फॉर्म, ये हो गया बड़ा रूप, ये हो गया छोटा रूप। ये लेना रहा है, देखिए आपका नेक्स्ट एलिमेंट है आपका, हाँ नेक्स्ट एलिमेंट है आपका मॉलिब्डेनम, एटॉमिक नंबर 42, और वाइटल कोड बताइए 1s के बाद, बोलिए 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर बोलिए 3d, अच्छा बोलिए 4s, 3d, अरे बोलो रे 3D के बाद क्या लिखे, 4P, 5S, बोलिए आगे फिर 4D, आप बताइए इलेक्ट्रॉन बन रहे, बोलिए 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, हमको भरना कितना है 42, हम भरिए 48, हमको 42 में आना पड़ेगा फिर से, यहाँ तक 30 हो गया, 36, 36, 2, 38 और 42 है तो 38, 40, 42, 42, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा 4। देखिए यहाँ पे फिर से S2 और D4 दिख गया, तो किसको बताइएगा S1 और D5 पे, तो ये सब्सट्रेट के जो दो इलेक्ट्रॉन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया डी सब्सट्रेट के पास, तो D4 किसको बता दिया D5 में, और S2 किसको बता दिया S1 में। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, इसके पहले जो लिखे तो आपका रॉन्ग टाइप था। आप मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 42। अब बताइए कौन से इनर्ट गैस के बीच आ रहा है 36 और 54 के बीच, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 37 और 53 के बीच हो तो 42 आ रहा है सर, इसका मतलब हम लोग कौन से इनर्ट गैस का यूज करेंगे क्रिप्टॉन, तो यहाँ पर क्रिप्टॉन को रख दिए, और क्रिप्टॉन को प्यार से कैटरीना के बोलते हैं, ये भी बोलती है यार हम भी एक्ट्रेस हमको भी सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी देने के लिए उसको दो को गार्ड देती है मतलब ब्रैकेट के साइड, ओके 36 में पहुंच गए दो 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 30, 6, 36 यहाँ तक मेरा क्या बच कर गया 5s1 और आपका 45। ये क्या आपका एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये क्या आपका कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आने वाला जो तीसरा चैप्टर है ना आपको हम इसी तरह का हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक बार नहीं लिखेंगे बहुत बार लिखेंगे, तो ये दिख रहा है कॉन्फिगरेशन, समझ पा रहे हैं कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपको हम जो नोट्स भेजेगा ना उसमें से छोटा रूप वाला ही एक रूप भी बनाए वो गलत कर दिए, फिर सेकंड वाला बनाए वो आपको सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका जो है ना दो और बचा हुआ है, नेक्स्ट है आपका सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 47 और वाइटल ऑर्डर बोलिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद 3d, ये ऑर्डर आपको याद होना जरूरी है, 5p, अच्छा तो बोलिए, अरे आप 4s 3d यहाँ पहुंच गए 4p, फिर बोल 5s, 5p, अच्छा देखिए 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f है, फिर 5d है, 7s है, फिर 6p, हाँ 6p है, फिर 7s है, फिर 5f है, ठीक है, फिर
या फिर इसके बाद 6G है, फिर 7P है, फिर 8S है, खत्म हो गया, 118 हो गया। यहाँ पे 5S 40 है, सिल्वर कंटेनमेंट कितना हो गया 47। बोलिए 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 भरने कितना है? आप सोच कर बताइए कितना भरिएगा इसमें, अगर 10 भर दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। आपको भरना 47, कितना भरिएगा सोच कर बताइए। अरे हम तो हटी गए, 38 कैलकुल हो चुका है, 38 हुआ है। हाँ 38 ना, हाँ 38 जो 40, 40 और 7 47, 7 और 2 9, तो बचा हुआ जो है जो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन होगा। अरे 38 38 और 40, 40 और 47 इलेक्ट्रॉन। आप लोग प्रॉपर जोर से मिलना करें गमन करें। ये क्या पे सिल्वर कैटेगरी में कितना है? 47। तो आप बताइए हमको ये किसके बीच है, कौन से एनर्जी के बीच? क्रिप्टोन और जीरोन, मतलब एटॉमिक नंबर 37 और 53 के बीच आ रहा है। कौन आपका 47 47 में, तो यहाँ पर कौन से नेट गैस लीजिएगा? क्रिप्टोन। आर्गन लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, समझे? किसको लीजिएगा? क्रिप्टोन। तो यहाँ पर क्रिप्टोन ले लीजिए, और क्रिप्टोन ले लिया तो उसके साथ फिर आप ब्रैकेट में लिखिए, ठीक? तो क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36, मतलब आपने 36 इलेक्ट्रॉन लिख दिया इस फॉर्मेट में। तो ये हो गया 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 30, 36 36 हो गया, बच गया आपके पास ये फॉर्मेट। यहाँ पे बच गया आपके पास 5S2 4D9, यहाँ पे S2D9, तो D9 कितने में चाहिएगा? D10 में, तो D5 में बदल गया, इसमें देगा D10 में। ये क्या देगा? फुलफिल ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या देगा? ट्रांसफर, कहाँ से? S ऑर्बिटल से। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 9 किसमें बदल गया? 10 में, और S किसमें बदल गया? 1 में। ये हो गया आपका सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर 47 रहेगा, तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और ये हो गया आपका एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक लास्ट ऑफ अंतिम में जाते हैं, अरे एक अंतिम पढ़ लीजिए। यहाँ पे प्लेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है, आप बाहर करके दिखा दिएगा। प्लेडियम का एटॉमिक नंबर 46 है, इलेक्ट्रॉन 46 आपके पास। आप बताइए और माइटल क्वार्टर, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का है, और 2p से ज्यादा एनर्जी 3s का है, 3s से 3p का, 3p के बाद 4s, 4s के बाद बताइए 3d, 3d के बाद 4p, अब 4p के बाद 5s, कांदे लगे क्या? 4d, अब 4d के बाद है 5p, 46 इलेक्ट्रॉन बने, 2, 4, 10, 12 बताइए, 18, 20, 30, 36, 38 यहाँ कितना बनिएगा? 38 हो गया, 46 इलेक्ट्रॉन है, 8 हो जाएगा। अच्छा सोचिए, सच्चे बोल रहे हैं? 9 और 10, 8 होगा। अरे 38 जो 40 से 46, ठीक है यही होगा। तो बताइए क्या आपको S2D4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या S2D9 दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, समझे? यही तो लोचा है ना, केमिस्ट्री में ज्यादा लगता है कि नहीं होता है ना, वही होता है सब, समझे? यहाँ पर होता है। देखिए आपको क्या मामला है, तो यहाँ पे 5s2 है और आपके पास है 4d8, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तेज और बैटर में एक और बैटर लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक वाइज स्पिन, एक आपका एंटी क्लॉक वाइज। डी सर्कल में 5 ऑर्बिटल है, ये हो गया आपके पास 5, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सिंगल सिंगल सभी ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8। अब देखिए मामला कैसे होता है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सर हो क्यों रहा है? मान लिया आपका ये एस ऑर्बिटल है और ये आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक? अरे आप कंट्रोल कर पाइए, समझे? ये आपका एस ऑर्बिटल, ये आपका डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, समझे? अब देखिए डी ऑर्बिटल का मामला क्या है, डी ऑर्बिटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। आपको अपनी दुनिया समझाते हैं, मान लीजिए कि एक एक्ट्रेस आई हुई है, हाँ एक्ट्रेस हीरोइन लोग, तो मान लीजिए उस एक्ट्रेस का नाम है आपका कैटरीना कैफ, ठीक? तो मान लीजिए कि अभी अभी मान लीजिए कि हम भी है, उसको मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, फैन है,
तो वो हम यहाँ पे है और मेरे बीच में दो और दोस्त, उसके बाद कैटरीना कैफ आपका। तो हम चाहेंगे कि अपना जो जिसको हम लोग पसंद कर रहे हैं इतने दिनों से, हम चाहेंगे उसे करीब पहुंचे। तो मेरा दो दोस्त है बीच में, तो हम क्या किए कि बगल दोस्त को धकेल दिए और एक बच्चा तो बोले यार तू भी भाग जा, सोने बोले नहीं भागेंगे यार, हम उसके बगल में खड़े रहे तुमको अच्छा फील हो रहा है, तो बोले उसको भी धकेल दिए समझे, और हम उसके करीब पहुंचे, मतलब हम चार उसके बेहद करीब पहुंच पाए। इस तरह का मामला यहाँ पे होता है, डी सत्र के पास 8 इलेक्ट्रॉन समझे, ये बोलते हैं यार हम मानते हैं कि हमको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब हम डी 10 नंबर देंगे, लेकिन ऑलरेडी हमको 1 इलेक्ट्रॉन आज तक मिला है समझे, लेकिन आज दोस्त ऐसा वक्त ही आ गया कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा समझे। यहाँ पे देखिए ये डी 8 क्या करता है, जबरदस्ती से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैंने अपने पास खींच देता 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 40s इसको बोल रहा 5s को भी दोस्त प्लीज 2 इलेक्ट्रॉन दो ना, फिर प्लीज प्लीज करके मोटिवेट कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन एस क्या हुआ कि भावनाओं बह गया और एस और बैठा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपका डी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ये वाला जो केस है ना वो पहला ही केस है 118 एलिमेंट में जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। 118 एलिमेंट में एक इकलौता केस है आपका प्लेटियम, जहां पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, प्लेटियम क्या होता है मेरा स्टेबल, यहाँ पर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया, ये 8 किसमें बदल गया आपका 10 में, और जो 5s है वो बदल गया आपका 0 में। तीसरा हमारा एक्सेप्शनल केस का 5 एग्जांपल तो खत्म हो गया, बस आपके पास 6 एग्जांपल एक्स्ट्रा, तो 6 आपको घर में प्रैक्टिस करना है ठीक। तीसरा आपका एक्सेप्शनल केस क्या हो गया खत्म, देखिए यानी केमिस्ट्री